कैसे है ऐसे किस टाइप का उंगली ऐसे कैसा लगता हूँ तो किसी लड़की को प्रपोज करूंगा तुझे हाँ कसम से और मना कर दी तो गाइस वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी पार्क से और जा रहा हूँ मैं अंदर लव पार्क में। आज है मौसम सुहाना, रूही को है बुलाना, बुला के उसे है पटाना, तो देखते हैं पटती है कि नहीं। गाइस काफी टाइम हो गया पटाते पटाते लेकिन अभी भी बहुत टाइम लग रहा है। मैं देखो इस पार्क में आ चुका हूँ तो इस पार्क की कितनी ज्यादा सुबह बढ़ चुकी है और ये पार्क कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अभी आ गया हूँ मैं बेजाताल और बेजाताल पे मेरे को एक चीज पता चला है कि यहाँ पे लड़की आई हुई है। तो देख सीधी सी बात है, अपन है लड़के और लड़के का नेटवर्क होता है हाई, तो हाई की वजह से बेजाताल पे आया हूँ। अब यहाँ पे हाई देखते हैं बनती है लुगाई। लुगाई सी है बेजाताल, यहाँ पे अपन नाव वगैरह चला सकते हैं। ये है बेजाताल, एलिस भाई से मिलके काफी ज्यादा कसम से मजा आ गया। और अभी देखो एक चीज दिखाऊंगा तुम्हें, हर हाँ बोलो क्या? एक बात बता हाँ। क्या करता रहता है इतना चिकना हो रहा है, कौन सी क्रीम लगा रहा है? मैं लगाता हूँ एक आती है हिमालय की आती है, फेस वॉश होता है नहीं, वो क्रीम भी आती है। क्या कर रहा था? 250 रुपये की आती है वो लगा रहा है। क्या कर रहा था? मैं कुछ नहीं, पानी देख रहा हूँ, ये टिक्की का पानी ऐसा कुछ हो गया। यू टिक्की का पानी है गाइस, ये देख लो टिक्की का पानी सब है। हेलो हाँ तुम इटालियन में बेजाताल पे क्या कर रहे हो? मैं बेजाताल पे हूँ ये तो समझ में आता है, तुम बेजाताल पे क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो इसका आंसर? मैं तो घूम के आया था, बताओ जहाँ, मेरे साथ जहाँ मैं होती हूँ वहाँ तुम प्रकट कैसे हो जाते हो? यू मेरे को इंद्र भगवान का वो ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है। जहाँ जहाँ जाएगी तू लावन रील शूट कर रहे हो, रील शूट कर लो तुम। वैसे एक बात बताओ, तुम अभी एलविश यादव से मिलने गए थे ना? नहीं वो अपना भाई है, तो भाई ने बुलाया था मेरे को इसलिए एलिस भाई से मिलने गया। उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है यार। गाड़ी अच्छी है, मैं अच्छा नहीं यार। उसके लिए येलो कलर की लैम्बोर्गिनी कितनी प्यारी लग रही थी भाई। एलिस का है कुछ भी कह सकते हैं, लैम्बोर्गिनी भाई तुमने उसका नाम अलग रख दिया ना, लैम्बोर्गिनी तो क्यों भाई? नाम चेंज कर दिया उसने, पूरा नाम चेंज ही कर दिया। तो वो आंटी है एलिस भाई, तुम्हारी गड्डी का नाम आज से लैम्बोर्गिनी है, फॉर्च्यूनर है। यार वो लैम्बोर्गिनी जैसी लग रही थी ना। लैम्बोर्गिनी है वो लड़कियों के लिए लैम्बोर्गिनी है। उसमें पता है उसमें सबसे खासियत बात क्या है? क्या? उसमें सिर्फ 2 सीट है। पता है कब पता चला? यार इतना तो पता है कब, रील देख देख। उसकी खासियत है उसमें 2 सीट है। हाँ अच्छी है, तुमने ब्लॉग देखा था? मैंने बोला था कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है रूही के नाम से। हाँ हाँ तुम्हारी ही बोला था मैंने कि फ्रेंड है मेरी, तुमने बोला तो था कि अपन फ्रेंड है। हाँ। तो मैंने बोल दिया था कि रूही है एक तुम्हारी फ्रेंड, मतलब फैन है काफ़ी ज़्यादा, तुम वीडियो कॉल कर सकते हो। तो मैंने वीडियो कॉल भी करी तुम्हारे लिए वहाँ पर वो क्या है ना नेटवर्क नहीं इशू कर रहा था इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन अपन साथ में चलेंगे उससे मिलने के लिए। मैं ट्रिगर्ड इंसान की ज्यादा फैन हूँ। तुम तो अभी एलिस यादव की थी, तुम ट्रिगर्ड इंसान की क्या कर रही हो, फैन हो गए? नहीं एलिस यादव की भी वीडियो मैंने देखी है, बट ट्रिगर्ड इंसान की मैं कम से कम 3 साल पहले से वीडियो देख रही हूँ। सही में? और एलिस यादव की लैम्बोर्गिनी कैसी लगती है? मस्त है, एक तरफा। एक तरफा मोहब्बत है गाइस, एक तरफा मोहब्बत है लैम्बोर्गिनी से। अपन उस जगह पे चले, उस जगह पे वहाँ पे रील बनाएंगे। चलो एक रील बना लो मेरे साथ। हाँ ठीक है, एक रील बना लेते हैं गाइस। कैसे डांस करना है, करना कैसे करना है? अरे बता हाँ।
मजा आया डांस। ये गाइस डांस मैं सीखूंगा। तुमने ये डांस कहीं सीखा है क्या? तो कैसे डांस कर लोगे? सही है। ये वाला लास्ट वाला कौन सा स्टेप था? लास्ट वाला और अब गिर जाए। अब ये रात हो गया नहीं करना। अरे तेरे को गिरा ही दिया। वो जो मेरे को आने की चक्कर में उसने गिरा दिया। वो फिर फाटा। कौन सा उसमें जाने का मन चल रहा है? नाम में चले? पर चलो चलो गाइस नाम में जा रहे हैं। पानी में जाएंगे और टिक्की के पानी में घूम के आते हैं। अभी तो नाम मेरी नाम में चल रहे हैं। देखा लेके सीधा चलते हैं नाम में मजे लेने के लिए। देख यू क्या है? ओह अबे ये तेरे लिए नहीं है। ये नहीं है, नहीं है, ये बैन हो गया। कसम से बैन हो गया। वो असली था लेकिन वो बैन हो गया। अरे रुक तो यू है तेरे लिए। अबे यू है, अबे देख तो यू है तेरे लिए। यू है यार मैं बैग में चेंज करा रहा हूं। यू तेरे लिए ना है। यू इसके लिए ना गाइस, इसके लिए तो टिकट है। टिकट उधर जा। अबे तू इधर आइए, तू चला यू। ये लो गाइस, आ गए फाइनली गाइस। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? तेरा दीदार हुआ तुझसे प्यार हुआ पहली बार। सच बोलते हो यार, तुम टिक्की का पानी। हां बेबे टिक्कियां पड़ी हैं सूखी, यहीं से उठा के पानी पी के। गाइस अब इधर से व्यू देखो इसका, क्या नजारा आ रहा है। काफी ज्यादा खतरनाक व्यू आ रहा है कसम से। इधर डांस करोगे आप? हाँ इसमें डांस। ये बताओ अपन कौन है? दोस्त है सच में? मेरे को यार जैश। हाँ जय श्री राम नारा है मेरा। कसम से ये बताओ तुम्हें लैम्बोर्गिनी पसंद है? बाइक कौन सी पसंद है? बाइक। हाँ बताओ। मैं ये सोच रहा हूँ मैं बाइक ले लूंगा तो गर्लफ्रेंड बन जाएगी पूरी। कौन जो तुम बोलो, जो तुम बोल दो भाई बाइक लूंगा। घुमाना तो तुमको ही है ना। तुम्हारे लिए तो ले रहा हूँ स्पेशली। पर मेरे को चलानी नहीं आती, वरना मैं ना राइडिंग वाली वो बनाने लगती ब्लॉग्स। टाइगर भाई मोटो ब्लॉगिंग चालू कर लो। नहीं मोटो ब्लॉगिंग चालू करेंगे मेरे को अभी। रूही बैठेगी फिर पीछे, हवा से बातें करेगी फिर। रूही रूही हवा से बातें करा करेगी। मुझे बाइक चलाना सिखा दो। मैं सिखा दूंगा कसम से सिखा दूंगा। अब देखो यार ज्यादा कठिन नहीं होता, साइकिल जैसी। मैं सोच रही हूं मैं जिम ज्वाइन कर लूं। जिम ज्वाइन मैंने तो कर भी ली। ये देखो गाइस बेचारा यार टिक्की पीने का मन हो रहा है। सोच रहा हूं खाली टिक्की ले वहीं से भर के पी लूं। सही बात है। बताओ ना बाइक कौन सी ले लूं? बाइक मतलब तुम्हें नॉर्मल बाइक्स में चाहिए या फिर जो स्पोर्ट बाइक्स आती हैं जिससे गर्लफ्रेंड पड़ जाए? देखो सीधी बात है मेरी बचपन से गर्लफ्रेंड ना हो। मैं घुमा रहा हूँ इधर उधर घूम रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ एक आध कसम से गर्लफ्रेंड नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? था पहले था। ओ नाप वापस करो। बचपन का प्यार था। ओए नाप वापस कर दे। गद्दारी कर वे, गद्दारी कर वे, गद्दारी कर वे, गद्दारी कर वे। अरे यार हमारा तो स्कूल में भी ना रहा, दूर दूर तक सूखा था। दूर दूर तक संबंध रहा हमारे प्यार से, सूखा मंजर है यार। गलत बात है। उसमें क्या हुआ फिर उसके साथ? कुछ नहीं। तो स्कूल का उसने मेरे को उसने ना वो मेरे बगल में एक लड़की बैठती थी तो मैंने कॉपी मांगी एक दिन। मेरे को कॉपी दे दे यार, मेरा कंप्लीट नहीं है काम। मैं मारी नहीं कल मुझे देने की जगह उसको कॉपी दे दिया। मैं बाहर में जा सकती। तो मतलब बॉयफ्रेंड ने कॉपी से ही छोड़ दिया यार? तो जब वो मुझे कॉपी नहीं दे सकता तो वो मुझे दिल क्या देगा अपना? देख रहे हो जलवा जलवा देख रहे हो। अब क्या प्लान है? जी आवाज़ कहाँ से आ रही है? बताओ। हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फुल दोस्त हैं हम, दोस्त हैं, दोस्त हैं, दोस्त मतलब तुम्हारे जैसा भाई। मेरे को ही बना लो।
क्या बात कर रहे हो, चल रहे मेरे को गर्मी लग रही है, चला नहीं रहे हो तुम लोग। लड़की को प्रपोज कैसे कर रहे हैं ये बता दो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स बता, लड़की को प्रपोज कैसे कर रहे हैं। अच्छा, ट्रिक्स उससे लेके तो आए थे। ट्रिक्स ही तो ली थी बस, नहीं उससे मैं ट्रिक ली थी लड़की पटाने की। अभी बताओ लड़की को प्रपोज कैसे करें। सही बात है यार, ये भी बात समझे, बहुत प्यारी बात है। नहीं नहीं किया, चांटा पड़ गया फिर बीच बाजार में। हाँ ये भी सही है, बीच बाजार में करेंगे या बीच तालाब में करेंगे। बीच तालाब में अगर किसी लड़की को प्रपोज करना है तो गहरे तालाब के बीच में लड़की को प्रपोज करें, डर के मारे एक्सेप्ट कर ही लेगी, अवश्य करेगी, अवश्य करेगी। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब हो जाए। यहाँ पे मतलब दिल कैसे बनाते हैं लड़की लड़की कैसे, ऐसे किस टाइप का, उंगली ऐसे ना। कैसे, अरे इसको मोड़, यू मोड़ दी इसको, तो इसको। हाँ ठीक है, दिल बन गया। हाँ? और ये टूटता है तो कैसा दर्द होता है फिर। अरे सच में मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो सोचता हूँ, मेरे दोस्त बोलते हैं आज मेरा इसका दिल टूट गया, इससे दिल टूट गया, इसका ब्रेकअप हो गया। तो ऐसा पेन होता है जैसे एक रबर होती है, है? तो उसको 2% पकड़ लेते हैं और उसमें से एक उसको बहुत खींच दो, तो प्यार करते हैं बहुत खींच जाती है, और अगर उसी को कोई भी 1% उसको छोड़ दे तो सामने वाले को कितना पेन होता है, हाथ में पड़ती है। तो समझ में नहीं आई, एक बात बताओ, जो लड़के लोग नस काट लेते हैं, अपनी हाथ की काट लेते हैं, गर्दन की मतलब छाती पे नाम लिख लेते हैं, आज तक मैंने हमेशा छुरी के प्यार में लड़के ही लोग नस काटते हुए देखे, लड़की लोग नस काटते हुए ना देखे, मैं लड़कियों का एक भी केसेस नहीं देखा कि इस लड़की के प्यार में लड़की ने नस काट ली है, उसका हाथ काट लिए। लड़कियों का तुम्हें पता है लड़कियों का क्या सिस्टम रहता है, लड़कियाँ होती है बेल की तरह, जिसे जहाँ पर एक सीधा खम्भा मिल गया ना तो वो चढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फ्रेंड है यार, उसका हाथ कटा हुआ पड़ा है। तुम्हें हाँ। किसी से प्यार नहीं हुआ अभी तक? बताया तो था, वो तो बचपन में हुआ था, तो बस उसके बाद से मुझे तो रोज होता है, डेली प्यार होता है मुझे तो। समझे, ये बताओ ब्रेकअप हो जाते हैं तो अजीब सा यहाँ पे दर्द क्यों होता है, यहाँ पे क्यों नहीं होता? अच्छा दिल है ना यहाँ पे, मेरे तो यहाँ पे ना हुए, यहाँ पे हुए दर्द, किडनी में दर्द होता है, लड़की इग्नोर करती है तो मेरे यहाँ पे दर्द होता है, किडनी में भी दर्द ना हो। प्यार की कमी नहीं है, पानी की कमी है। मैं कैसा लगता हूँ? अच्छा लगता है। तो किसी लड़की को प्रपोज करूँगा तो ये हाँ। कसम से हाँ। और मना कर दी तो इम्पॉसिबल। अरे यार सबको दिखता है तुम्हें नहीं दिखता? क्या बैकग्राउंड यहाँ का देखो, पीछे का कितना अच्छा बैकग्राउंड है, टिक्की का पानी भी ठीक है काफी है। देख लो गाइस ये इस तरफ बैठ चुका है, अभी डरेगी गाइस, डरेगी ये, मेरे को तो नहीं लगता ये डरेगी। क्या कर रहा है? ओ भाई प्रेशर बन गया, प्रेशर बन गया गाइस, इससे मैं डर लगेगा, उसे डर लगेगा इससे, तेरी तेरी खींगड़ी निकल जाएगी, खींगड़ी गाइस आगा स्पेशलिस्ट में बोर्ड का, ठीक है अच्छा। अब ये लेडी डरेगी, मुझे नहीं लगता, और उसको पटक दूंगा। तुम डरपोगी? डर लग रहा है तुम्हें? मेरी शक्ल देख के लग रहा है, वैसे ही डर जाएगा ये, भाग के भाग जाएगा ये, शकल देख के इसको, मैं शकल देखे के तो ऐसा सिस्टम है, इसको मैं गिराने वाला हूँ टिक्की के पानी में, गिरा देगा। डर लगा था अभी, गोल में मूवी देख रही थी। कौन सी वाली? स्माइल स्माइल मूवी का, हॉलीवुड की मूवी है, गोस्ट की भाई, उसमें मुझे डर लगा था बिकॉज ना उसमें ना लड़की ने अपना ऐसे चाकू पकड़ा यार से लेके पूरा फेस यार तक काट दिया। माय गॉड, लड़की ने फेस काट लिया यहाँ से, यहाँ तक भूतनी होगी वो, उसके अंदर प्रेत आत्मा, प्रेत आत्मा थी। तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा है? मेरे अंदर नहीं है। अरे आएगी ऐसा था उसमें सीन था कि जैसे कोई पर्सन है उसको श्राप मिला हुआ है, तो वो किसी पर्सन के सामने जाके अपने आप को मार डालेगा, और जिसके भी सामने मारेगा वो श्राप उसके पास चला जाएगा, फिर 10 दिन के अंदर वो खत्म हो गई। रुई गई, रुई रुई गई, रुई गई, ऊपर रहा ऊपर। ओ तेरी, पीछे कर पीछे कर, गुजर दे गुजर दे, अंदर गुजर दे, गुजर दे गुजर दे, गुजर दे इसको अंदर, गुजर दे।
कैसा लगा मेरा मजा? क्या बात है, सच में डरा दिया तूने? डरा दिया, क्या बात है, इसी वक्त पे लाइक हो जाए दोबारा डराऊंगा। वो तो पता है ना गाइस, लड़कियों का दिमाग। ओ और भी घुस गई। कैसा लगा? अब इधर में कोई कीरा वीरा और हो रही, दो गाड़ियां एक ही ट्रैक पे आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है मेरे को, भिड़ने वाली है। गई। और ये गड्डी एक बार मच गई आपस में, गड्डी आंटी को बाय कर दो, दीदी आंटी बोल रहा है। अरे यार गलती हो गई यार, शर्म नहीं आती तेरे को? गलती हो गई। गलती हो कैसे गई? मेरे को तो आंटी दिख रही थी। हेलो रूही, मुझसे शादी करोगी? कैसी फिल्म लगती है? मुझसे शादी करोगी? मेरी इसकी भाभी बनोगी, किसी ना किसी की तो भाभी बनोगी एक ना एक दिन। निकल 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 जल्दी निकल। गाइस अंडमान निकोबार को पता पड़ा कि हम बैठे हैं, ये भूखे बक्कड़ है, देखो ये आ गए, ये भूखे बक्कड़ आ रहे हैं, ये भूखे बक्कड़ है, ये जले में नमक छिड़कते हैं, अब देखना इधर ही आएंगे। और भूखे बक्कड़ मतलब तुम काम बनने नहीं दोगे? अरे यार मैं यही सोच रहा था आज वहाँ कोई नहीं होगा, भैया ताल कुछ खाया हूँ, तुम मिल गए यहाँ पे, तुमको भी खिलाना। तुम्हें मिला कुछ ना है? तुमको भी ये गाइस ये पता है तुमको, ये बहुत बड़ा आज सोच के आया था, घर से 10 रुपए की टिक्की पीऊंगा और आज ये लोग फिर मिल गए, अब 10 रुपए में 10 लोग को बांटना पड़ेगी। ये देख रहे हो गाइस बात कितनी जल्दी फेरता है, जब तक ये साथ में दिखेगा ना तब तक हमारा काम बनने ना है। तो गाइस मैं बस बहुत सच्चा आदमी हूँ, सबका भाई हूँ, लड़कियों का नहीं हूँ, बस लड़कियों का। सीधा चला रही है, सीधा। देखो मैं जाइए, बाय बाय हो गई, बाय बाय। भैया को सपोर्ट करो पुल, और भैया को जितनी भी गर्लफ्रेंड तुम पे दो चार चला रहे हो एक एक दान देते जाना। एक ही दिलवा दे, इसी को दिलवा दे। तो जे मेरे कॉन्टेक्ट से और मेरे कवरेज क्षेत्र से बाहर है, जे मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, दो चार जितनी भी कोई पना के चल रहा है तो एक दो इधर फेंक देना नंबर, ठीक है? कमेंट में जरूर डाल देना, नंबर फेंक दियो कमेंट में। मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, कसम से आई लव यू। एक गर्लफ्रेंड को बोलना जरूरी है ये चीज, आई लव यू बोलेंगे जब भी गर्लफ्रेंड पटेगी ना, आई लव यू बोलेंगे जब भी गर्लफ्रेंड पटेगी। ये किसको कोड वर्ड देता हूँ, इसको बोल के दिखाना है। 143 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब कोड वर्ड में? आई लव यू टू। आई लव यू टू। मतलब चुपचाप चलाए यार गाइस, तो इससे अभी तक नहीं कह पाई और इतना मेरे से कह दिया टेलीविजन। 143 का मतलब होता है आई हेट यू, समझ लिया? कैसी लगी? तुमने उसे आई लव यू बोल दिया। गाइस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, इसकी खुशी देखो देख की ना जा रही। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा मजाक? पसंद आया? मजाक तुम्हें पता था ना ये सब कुछ, तुमने जानबूझ के बोला ना, साजिश ऐसी जा रही है ना, गद्दारी करवे मेरे साथ। देख भाई अपने हैं? साथ ये मिलवा। और ये बात बताओ, जहाँ पे तुम होती हो वहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं आ जाता हूँ ये कहाँ से आ जाता पीछे से? तुम्हें पता होगा ना। चल ठीक है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। चलो अपन घूमते हैं, ये फालतू बातों पर ध्यान ना देते, चलो उधर घूमते हैं। चलो गाइस कितने खुश लग रहे हैं, कैसी जगह है? पहली बार दोनों तो पहली बार आया ना इधर? हो कोई जगह कोई भी ना है इधर। तुम्हें देखा फूल काफी ज्यादा है, ये पता है, ये तुम्हें पता है ये रेड फूल है, ये रेड फूल है। ये रेड फूल किस लिए दिया जाता है, ये रेड फूल पता नहीं है, किसी लिए तो दिया जाता होगा ना ये तो पता है, वाली रील हो जाती किस कस्टम तोड़ के, वो आजकल चल रही है ना, कौन सी? जैसे लड़का लड़की साथ में रहते हैं, लड़का जाता है ऐसे तोड़ के उसको कुछ देता है, लड़की मुंह में खा लेती डायरेक्ट, तो कहता है ये ऐसी चीज है जो सुपर जहरीली होती है, इंसान इसको खा के मर सकता है। लड़की खा चुकी होती है पहले से। सही है यार, ये बात भी सही है भाई। तो चलते हैं अब, आप घर ही चलते हैं, अब अंधेरा हो रहा है, मेरा आज जाने का मन हो रहा है, आज ज्यादा मन हो रहा है घर जाने का, चलें तो फिर। क्यों आज मन हो रहा है पता नहीं मेरा, घर जाने का बस। नीचे गिर जाओगे? नीचे गिरने की कोशिश काफी टाइम से, अपन नीचे गिर नहीं पा रहे हैं।
मौसम प्यारा चांद, चांद छुपा हाँ चांद दिख रहा है ना देखो वो दिख रहा है बोरा चांद ये रहा इस चांद मैं तो चांद की ए नहीं ये भी चांद है चांद का टुकड़ा है थोड़ा थोड़ा सा मैं घर जा रहा हूँ अब जा रही हो तुम ये बताओ तुम पहले ज़्यादा रील्स बना दी थी अब रील्स क्यों नहीं बना रही हो रील बनाऊँ अब मैं कोई होना भी तो चाहिए मेरे साथ बना लिया करो सही में कसम से पक्का तो गाइस कल से हम रील्स बनाएंगे साथ में अभी तो मेरा घर जाने का मन कर रहा है एक्टिंग कर लोगे? हाँ बिल्कुल परफेक्टली एक्टिंग एक्टिंग करने के लिए क्या हो क्या करना चाहिए एक्टिंग के लिए जो एक्टिंग आए मेरी दो रील बनानी थी मुझे कल मैंने एक घंटे कांच के सामने बैठ के एक्टिंग की उसकी और डायलॉग रखे नहीं मैं तो तुम्हारे लिए दो घंटे तक रील्स बना सकता हूँ चलो तो फिर अपन दोनों ही रील्स बनाएंगे साथ में ठीक है तो अब लड़की पिघल रही है गर्मी तो पड़ नहीं रही इतनी ज़्यादा पिघल रही है 45 टेम्परेचर गाइस 45 टेम्परेचर है ग्वालियर में और हमारे यहाँ हाँ और इसके दोस्त है ना इसके दोस्त वो 45 टेम्परेचर में सो रहे हैं दिखाऊं ये देखो गाइस ये लड़की बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा अच्छी है मैं इससे कुछ भी बोल लेता हूँ ये बुरा नहीं मानती है बिल्कुल ही एक्चुअली अच्छा हाँ बुरा मानती हो कसम से दोस्तों की बातों को बुरा नहीं माना जाता ये बात है गाली दे रहे हैं चलो गाली और मैं कभी जिंदगी में ना दूं सही है गुड गाली नहीं देता मैं देनी भी नहीं चाहिए गाली कसम से देता ही नहीं देनी भी नहीं चाहिए देता ही नहीं कल मैं नए कपड़े पहन के आऊंगा एकदम लुक पर्सनैलिटी बना के एकदम लुक पर्सनैलिटी हैंडसम जूते पहन के आऊंगा कल क्यों आऊंगा तो आऊंगा कल एक लड़की को प्रपोज कर लूंगा कौन है वो लड़की गर्ल लड़की लड़की जरूरी थोड़ी ना वो लड़की हो मेल ही हो फीमेल हो तो फीमेल ही तो यार फीमेल ही तो होगी तुम मेरे को प्रपोज क्यों करोगे तो वहीं कर देंगे ठीक है तो अब मैं जा रहा हूँ ओके कहाँ अब मैं घर पे जा रहा हूँ अब इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है 2% बची है बाय बाय वो लगी हाथ में अरे यार इतनी जल्दी कहाँ से लग गई रिंकी छोड़ने चलूँ चली जाऊँगी ठीक है फिर जाओ ये तो सचमुच में गई मत जा लौट के आ जा लौट ये तेरे रिश्तेदार बैठे हैं नीचे मत जा कहाँ जाएगी बैठ के कहीं जाएगी तो ठीक है फिर गाइस ये फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में और कल मैं पक्का दीदी को प्रपोज करूँगा कैमरा लगा के बिना कुछ बताए कसम से बता रहा हूँ मैं कल प्रपोज ही करूँगा रूही को देखते हैं कल क्या होगा वैसे यार 80% मानी जाएगी